ब्रांच अकाउंट चैप्टर हमको कौन सा कर रहे हैं? ब्रांच अकाउंट। कितना मार्क आएगा आपके सिलेबस में? 10 मार्क्स। कितना मार्क आएगा? 10 मार्क्स। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर हम लोग किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये क्लासेस करा करके यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है। जिनका छूटा हुआ है या बेसिक कंसेप्ट करना है जाकर के वीडियो देखेंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड चैप्टर हम लोग का कौन सा है? ब्रांच अकाउंट। कौन सा बोलिए, एक बार जोर से बोलिए, कौन सा अकाउंट? मार्क्स का आएगा भाई? कितना मार्क्स का? अच्छा, ब्रांच अकाउंट को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि व्हाट इज ब्रांच। व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच अकाउंट को करने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है भाई ब्रांच क्या होता है। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है? एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज अ ब्रांच। एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज अ ब्रांच बाय द कंपनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको एक कंपनी कह रहा है कि ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा क्या है ब्रांच। उसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। ब्रांच में कोई अंतर थोड़ी है, नहीं समझे। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसका हेड ऑफिस जो है या कंपनी वो कह रहा है कि ये मेरा ब्रांच है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच। क्या कहेंगे हम लोग? तो ब्रांच का सिंपल डेफिनेशन है कि एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज अ ब्रांच। एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज अ, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हम लोग का है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा ब्रांच है यानी ब्रांच। क्लियर? तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि एनी एस्टेब्लिशमेंट, बोलो क्या बोले? एनी एस्टेब्लिशमेंट, बोले क्या बोले? डिस्क्राइब एज अ ब्रांच। डिस्क्राइब एज अ बाय द कंपनी, बाय द कंपनी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रांच अकाउंट क्यों बना? ब्रांच अकाउंट क्यों बना? अच्छा, प्रत्येक बिजनेस का ब्रांच होता है। जब बिजनेस ग्रोथ करने लगता है तो हम लोग जगह जगह क्या खोलते हैं? ब्रांच खोलते हैं। जब बिजनेस ग्रोथ करने लगता है तो हम लोग क्या खोलते हैं? जगह जगह ब्रांच खोलते हैं। बैंक को ही देख लीजिए, बैंक का पूरा ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच है। कुछ कुछ ऐसे बिजनेस है जिसका हर स्टेट में ब्रांच है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक हिसाब किताब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए, इतना जगह बिजनेस चल रहा है तो उसका हिसाब किताब हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो उसका हिसाब किताब को करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ब्रांच अकाउंट। इतना जगह हम लोग का ब्रांच चल रहा है, सब जगह हमारा क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, सब जगह हमारा कुछ ना कुछ एसेट है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। तभी तो पता चल पाएगा ना कि सबसे ज्यादा कमाई कौन सा ब्रांच से, सबसे ज्यादा कमाई कौन सा ब्रांच से, और इससे पता चल जाएगा कौन सा ब्रांच से कितना कमाई हुआ, कौन सा ब्रांच में कितना का एसेट है, कितना का सेल हुआ है। समझ पा रहे? कौन सा ब्रांच का कितना का लाइबिलिटी है, ये हम लोग को आराम से पता चल जाएगा। ये सब पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? जैसे देख लीजिए बिग बाजार, बिग बाजार का ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच है। समझ पा रहे? ये नया नया अभी 2016 में बिजनेस को चालू किया एम बाजार, इसका 99 ब्रांचेज है। कितना ब्रांचेज? 99, और लगभग 8 स्टेट में धंधा कर रहा है। लगभग कितना स्टेट? 8 स्टेट में धंधा कर रहा है। समझ पा रहे? तो 8 स्टेट में जो चल रहा है वो सब क्या चल रहा है? उसका ब्रांच क्या चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच अकाउंट। क्लियर? क्लियर है? तो ब्रांच अकाउंट क्यों बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि कौन सा ब्रांच का कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा ब्रांच में कितना खर्चा है, कौन सा ब्रांच में कितना सेल हुआ है, कौन सा ब्रांच का कितना एसेट है, और कौन सा ब्रांच का कितना लाइबिलिटी है, इसको पता कर सके, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रांच अकाउंट। क्लियर? ब्रांच क्या होता है भाई? कंपनी जिसको डिस्क्राइब करेगा कि ये हमारा ब्रांच है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ब्रांच। क्लियर? अच्छा, ब्रांच दो तरीका का होता है, एक है इनलैंड ब्रांच और एक है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और कौन सा ब्रांच? फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच को हम लोग होम ब्रांच भी कहते हैं। इनलैंड ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? होम ब्रांच। क्या कहते हैं बोलिए? अपने देश में जब ब्रांच रहेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? होम ब्रांच। अपने देश में जब ब्रांच रहेगा उसे क्या कहेंगे? फोकस। ब्रांच कितना तरीका का? दो तरीका। कौन कौन सा? इनलैंड ब्रांच जिसे कहते हैं होम ब्रांच। कौन सा ब्रांच? हम लोग का पूरा देश में अपना ब्रांच है उसे कौन सा ब्रांच कहेंगे? होम ब्रांच। हम लोग का मान लीजिए देश के बाहर ब्रांच है, देश के बाहर उसे क्या कहेंगे हम लोग? फॉरेन ब्रांच। क्या कहेंगे? अपना देश में मान लीजिए सब जगह ब्रांच खोल गया तो हम लोग क्या बाहर खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। जैसे केपसी हम लोग का तो देश का नहीं है, दूसरे देश का, लेकिन हमारे देश में उसका ब्रांचेज है कि नहीं? ब्रांचेज है ना। तो वैसे ही हमारे भी देश का कंपनी है जिसका अपने देश में ब्रांच तो रहता है और साथ साथ बाहर में भी, माने अपने देश के बाहर भी ब्रांचेज रहता है, उसे कौन सा ब्रांच कहते हैं हम लोग? फॉरेन ब्रांच। कौन सा ब्रांच? तो ब्रांच कितना तरीका का है? दो तरीका। कितना तरीका का? कौन कौन? होम ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। जोर से बोलो, होम ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। अब होम ब्रांच दो तरीका का होता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इनडिपेंडेंट। बालक क्लास इधर चल रहा है। होम ब्रांच दो तरीका का होता है, डिपेंडेंट ब्रांच, इनडिपेंडेंट ब्रांच। जोर से बोलिए, डिपेंडेंट ब्रांच,
डिपेंडेंट ब्रांच किसको बोलेंगे? जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस बनाएगा, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट हिसाब किताब कौन करेगा? हेड ऑफिस। खुद हम नहीं करेंगे हिसाब किताब, हम लोग का हिसाब किताब कौन करेगा? हेड ऑफिस। कौन करेगा? ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। कौन सा ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहेंगे? जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाने वाला है? हेड ऑफिस। कौन बनाएगा? और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है कि जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो ब्रांच है वो खुद बना लेगा, समझ पा रहे? हिमसेल्फ प्रिपेयर कर लेगा, उसे कौन सा ब्रांच कहते हैं? इंडिपेंडेंट। कौन सा ब्रांच? इंडिपेंडेंट। जैसे बिग बाजार जैसे बड़ा ब्रांच है जो रहेगा वो डिपेंडेंट अकाउंटिंग करेगा कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट करेगा, समझे? क्योंकि इतना कुछ है, सब कुछ हेड ऑफिस को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं, तो कौन सा अकाउंटिंग करेगा भाई? इंडिपेंडेंट। कौन सा बोलिए? तो होम ब्रांच। हमारे देश में दो तरीके का ब्रांच है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। जोर से बोलिए, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाएगा? हेड ऑफिस। कौन बनाएगा? जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस बनाएगा उसे कौन सा ब्रांच कहते हैं? डिपेंडेंट। कौन सा ब्रांच? और जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच खुद बना लेगा उसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड। ब्रांच अकाउंट्स को बनाने का अलग अलग मेथड है। अलग अलग क्या है? मेथड। हम लोग बात करें मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट को बनाने का तीन मेथड है। ब्रांच अकाउंट को बनाने का कितना मेथड है? तीन। ब्रांच अकाउंट का हिसाब तो करना होगा, हिसाब करने का कितना मेथड है? तीन। पहला है डेटर्स मेथड। बोलो क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए डेटर्स मेथड। इसको ऑब्लिक में क्या बोलते हैं हम लोग? सिंथेटिक। माने डेटर्स मेथड को प्यार से सिंथेटिक मेथड भी कहा जाता है। डेटर्स मेथड को प्यार से क्या कहते हैं भाई? सिंथेटिक। जोर से बोलो, सिंथेटिक। डेटर्स मेथड को प्यार से क्या बोला जाता है? सिंथेटिक मेथड। कौन सा मेथड? अब ये सिंथेटिक मेथड या डेटर्स मेथड के अंदर दो वो सिस्टम है, एक वो कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस। बोलो क्या बोले? कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये आपको समझ दौरान समझाया जाएगा। कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस। जोर से बोलो क्या बोले? हमारे सिंथेटिक मेथड में दो तरीका का सम करना होगा, एक कॉस्ट प्राइस सिस्टम और एक है इनवॉइस प्राइस सिस्टम। कॉस्ट प्राइस सिस्टम और इनवॉइस प्राइस सिस्टम। दूसरा हम लोग का मेथड का क्या नाम है? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बोलो क्या बोले? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड और तीसरा हमारे सिस्टम का क्या नाम है? फाइनल अकाउंट मेथड। बोलो क्या बोले? फाइनल अकाउंट मेथड। जोर से बोले क्या बोले? कितना अकाउंटिंग करने का कितना मेथड है? तीन। पहला क्या? डेटर्स मेथड। कौन सा? डेटर्स मेथड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूसरा हम लोग का कौन सा मेथड है? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बोलो क्या बोले? और तीसरा कौन सा हम लोग का? फाइनल अकाउंट मेथड। आज के हम लोग क्लास में करने जा रहे हैं डेटर्स मेथड। कौन सा मेथड? डेटर्स। सिंथेटिक मेथड करने जा रहे हैं। कौन सा बोलिए? और सिंथेटिक मेथड में हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस सिस्टम। कॉस्ट प्राइस सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे कौन से प्राइस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस। समझ पा रहे? इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस सिस्टम। बोलो क्या बोले? कॉस्ट प्राइस सिस्टम। समझे? तो हम लोग डेटर्स मेथड करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है? सिंथेटिक। क्या नाम है बोलिए? इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट को बना रहे हैं। फॉर्मेट को नोट डाउन करते हैं। कौन सा मेथड का? सिंथेटिक। फॉर्मेट को नोट करते हैं फिर इसको हम लोग समझेंगे। समझ पा रहे? कौन सा मेथड करने जा रहे हैं हम लोग? डेटर्स मेथड या सिंथेटिक? फोकस करिए। देखिए ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ये ब्रांच अकाउंट है। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये सब चीज को हम लोग डेबिट लिखेंगे। इसमें से कोई भी चीज आएगा इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट। ये सब आइटम जो दिखाई दे रहा है सब कहाँ जाएगा? डेबिट। और ये सब कहाँ जाएगा? क्रेडिट। पहले एक एक करके पढ़कर समझा दें। ओपनिंग एसेट टू बैलेंस बिटी लिखेंगे। ओपनिंग एसेट ओपनिंग एसेट को लिखेंगे टू बैलेंस बिटी। टू बैलेंस कुछ एसेट के नाम दे दिए हैं जैसे स्टॉक डेटर्स फर्नीचर पेटी कैश कुछ दे दिए हैं ऐसे। तो ओपनिंग एसेट को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट। गुड सेंड टू ब्रांच। देखिए भाई हेड ऑफिस ब्रांच को हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स भेजेगा। इधर इधर है किसका बात कर रहे हैं हम लोग? गुड सेंड टू ब्रांच। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? गुड सेंड टू ब्रांच। सुनिएगा ध्यान से। गुड सेंड टू ब्रांच। गुड सेंड टू ब्रांच का मतलब होता है कि भाई हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजा? गुड्स भेजा। क्या भेजा? गुड्स। अरे गुड्स भेजेगा तभी तो ब्रांच गुड्स को बेचेगा। समझ पा रही है? गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट में लिखते हैं। टू बैंक के नीचे खर्चा। ब्रांच का खर्चा तो होगा, रेंट सैलरी ये सब खर्चा लिख देंगे टू बैंक के नीचे। ठीक है। और एक पेटी कैश रेमिटेंस के कितना पेटी कैश के लिए पैसा मिला। पेटी कैश माने छोटा मोटा खर्चा के लिए हाथ खर्चा के लिए पैसा मिलता है उसे कहते हैं पेटी कैश।
अच्छा टू बैलेंस शीट, कभी कभी क्लोजिंग लायबिलिटी रहता है, क्या रहता है हम लोग का क्लोजिंग लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी, उसको डेफिनेटली लिखेंगे टू बैलेंस शीट बोलते, क्या बोल के लायबिलिटी में क्या हो सकता है क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर, ये सब आइटम आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट में, कहाँ लिखेंगे, क्या क्या हम लोग का बाई बैलेंस बेटी लिखते हैं ओपनिंग लायबिलिटी, अगर ओपनिंग लायबिलिटी है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बेटी क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाई बैंक लिखेंगे कब, जब कैश सेल होगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल मैंने नगद में बेचे हैं और कलेक्शन फ्रॉम डेटर मैंने डेटर से रुपया मिला है, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, कभी कभी हम लोग गुड्स ब्रांच ना हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देता है, खराब गुड्स रहता है गुड्स को ब्रांच क्या कहता है गुड्स को रिटर्न करता है किसको हेड ऑफिस, तो गुड्स रिटर्न में ब्रांच रहेगा तो इधर लिखेंगे, और कभी कभी गुड्स आता लेकिन रास्ता में ही रह जाता है गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स आया लेकिन ब्रांच में मिला नहीं है अभी कहाँ है रास्ता में, इसको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, क्या कहते हैं हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट, और क्लोजिंग एसेट को इधर, क्लोजिंग एसेट को इधर लिखेंगे, क्लोजिंग एसेट में क्या हो सकता है भाई क्लोजिंग एसेट को लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी बोलते, क्या बोल के बाई बैलेंस सीडी, तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एसेट में क्या क्या हो सकता है दो चार एग्जांपल दिए हैं स्टॉक डेटर फर्नीचर पैकेज, ये तो आपका हो गया ब्रांच, इधर जोड़ेंगे इधर बढ़ा देंगे इधर जोड़ेंगे इधर बढ़ा देंगे, जो बच्चा उसको क्या बोलेंगे जनरल पीएल या प्रॉफिट कहेंगे, जनरल पीएल या प्रॉफिट, क्लियर, सुनिएगा ध्यान से, ये मेमोरेंडम ब्रांच लेटर, कभी कभी मेमोरेंडम ब्रांच लेटर बनाना पड़ेगा और कभी कभी मेमोरेंडम पेटी कैश बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ब्रांच लेटर ये मदद करता है किसको मदद करेगा ब्रांच को, ये सपोर्टिंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है सपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए कभी कभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया रहता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया रहता है या कभी कभी क्लोजिंग लेटर नहीं दिया रहता है तो हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ब्रांच लेटर, अदरवाइज इसको बनाने का जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा पता कैसे चलेगा ओपनिंग एसेट है कि क्लोजिंग एसेट है, पता कैसे चलेगा ओपनिंग एसेट है कि क्लोजिंग एसेट, डेट लिखा रहेगा एक एक या एक चार, एक एक या एक चार मान ओपनिंग, समझ पा रहे या साक्षात बोलेगा कि मैं ओपनिंग हूँ साक्षात बोला रहेगा, समझे क्या बोले ओपनिंग लेटर ओपनिंग पेटी कैसे ऐसे बोला रहेगा, या एक एक या एक चार रहेगा तो ओपनिंग, पता कैसे चलेगा क्लोजिंग एसेट है 31 मार्च या 31 12 लिखा रहेगा, 31 मार्च या 31 12 लिखा रहेगा, समझ पा रहे हैं, यह साक्षात पूरा रहेगा कि मैं क्लोजिंग हूँ, क्लियर, अब थोड़ा सा हम लोग लर्न कर लेंगे तो बनाने में सुविधा होगा, ये कौन सा साइड है डेबिट साइड, कौन सा साइड है कौन सा साइड हम लोग का डेबिट साइड, डेबिट साइड में चार ही तो आइटम लिखते हैं, कितना आइटम लिखेंगे चार, दिखाई दे रहा ज्यादा बाकी चार ही लिखते हैं, डेबिट साइड में चार ही लिखेंगे ओपनिंग एसेट, कौन सा ओपनिंग एसेट, सुनिएगा ध्यान से, चार ही आइटम डेबिट में लिखते हैं, क्या क्या ओपनिंग एसेट, कौन सा एसेट ओपनिंग एसेट, जो भी एसेट में रहेगा लिख देंगे ओपनिंग एसेट को लिखेंगे टू बैलेंस बिटी, टू बैलेंस ओपनिंग एसेट गुड्स एंड, ओपनिंग एसेट गुड्स एंड और खर्चा, ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा, बोलो क्या बोलें, ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा और क्लोजिंग लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी क्लोजिंग, ये सब डेबिट में लिखेंगे, ये सब क्या यहां लिखेंगे डेबिट, ओपनिंग एसेट माने एसेट स्टॉक डेटर फर्नीचर गुड्स एंड तो समझ ही पा रहे, खर्चा क्या होगा रेंट सैलरी जितना भी खर्चा रहेगा डाल देंगे टू बैंक, समझे, और क्लोजिंग लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी, ये सब कहां लिखेगा डेबिट में, माने डेबिट में चार ही चीज लिख रहे हैं ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा, बोलो क्या बोले, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा, बोलो जोर से बोलो, ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा और क्लोजिंग लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी, ये सब कहां लिखेंगे डेबिट में, कहां लिखेंगे, क्लियर, अब क्रेडिट में किसको लिखेंगे, क्रेडिट में टोटल आपका है पांच आइटम, कितना आइटम है टोटल पांच, समझ पा रहे क्या क्या, सुनिए ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी को बाई बैलेंस बिटी बोल के लिखेंगे, ओपनिंग लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी ओपनिंग लायबिलिटी, बाई बैंक के नीचे लिखेंगे कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाई और गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग ये सब लिखेंगे क्रेडिट, तो एक सूत्र में हम लोगों को कैसे याद होगा भाई ओपनिंग लायबिलिटी, कौन सा बोलिए ओपनिंग लायबिलिटी, बाई बैंक के नीचे लिखेंगे कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच या गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच या गुड्स इन और क्लोजिंग एसेट, कौन सा एसेट, ये सब कहां जाएगा क्रेडिट में, कहां जाएगा क्रेडिट में, क्लियर है, यस सर, ब्रांच के डेबिट में किसको लिखेंगे चार आइटम, पहला क्या बोले बोलो ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा, ओपनिंग एसेट गुड्स एंड खर्चा और क्लोजिंग लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी, क्रेडिट में क्या क्या लिखेंगे ओपनिंग लायबिलिटी
बाई बैंक के नीचे कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम ट्रेडर, कैश सेल गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच और गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन और क्या क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट क्लियर है। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर समझे। अब कभी कभी ये सपोर्टिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। क्या कहते हैं हम लोग? मेमोरेंडम। कभी कभी बनाना पड़ेगा, कब बनाना पड़ेगा? जब मान लीजिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर तो यहाँ आता है, और ये नहीं दिया तो उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर से निकालेंगे कैसे हम लोग? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। और कभी कभी क्लोजिंग डेटर नहीं दिया रहेगा, तो क्लोजिंग डेटर क्या? एसेट है। क्लोजिंग डेटर क्या है जी? एसेट। तो यहाँ तो बैठाना होगा ना क्लोजिंग डेटर, समझ पा रहे? तो इसको निकालने के लिए क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। बोलो क्या बोल रहे हैं? ये नहीं दिया रहेगा या ये नहीं दिया रहेगा, तो कभी कभी खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर, अदरवाइज खोलने का जरूरत नहीं है। ये एकदम सिंपल सा, डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग डेटर, क्या लिखेंगे? ओपनिंग डेटर को लिखेंगे टू बैलेंस बेडिंग। ओपनिंग डेटर को क्या लिखेंगे? ओपनिंग डेटर को लिखेंगे टू बैलेंस बेडिंग क्रेडिट से। ओपनिंग डेटर को टू बैलेंस बेडिंग क्रेडिट, क्रेडिट में क्या हो जाएगा भाई? कैश कलेक्टिव, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट डेटर। बैड डेट, सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न के एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड मत बोलिए भाई, बच्चा रिटर्न इनवर्ड। कौन सा बोलिए? रिटर्न इनवर्ड। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर। तो अगर मान लीजिए कैश नहीं दिया तो कैश निकलेगा, और क्लोजिंग डेटर नहीं दिया तो क्लोजिंग डेटर निकलेगा। यही करना है हम लोगों को, कौन सा? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर में, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। तो क्या लिखेंगे? ओपनिंग डेटर क्रेडिट से डेबिट में, ओपनिंग डेटर क्रेडिट से डेबिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश कलेक्टिव, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग डेटर। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, जो चीज नहीं दिया रहेगा वो निकल जाएगा। किसका बात करें? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। जोर से बोलो। कभी कभी मेमोरेंडम पेटी कैश बुक भी खोलना पड़ता है। मेमोरेंडम पेटी कैश, मेमोरेंडम कब? जब मान लीजिए पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया, पेटी कैश का क्लोजिंग, कभी कभी पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया तो खोलना पड़ेगा, समझे? ये हम सम में कवर कर देंगे कि मेमोरेंडम पेटी कैश कैसे खोलते हैं। मेमोरेंडम पेटी कैश हम सम में खोलने कवर कर देंगे जब सम करेंगे, समझे? उसका अलग से कोई फॉर्मेट का जरूरत नहीं है। किसका बात करें? मेमोरेंडम पेटी कैश। और क्या बोल रहे हैं? क्यों बनाएंगे मेमोरेंडम पेटी कैश अगर पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया? पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया तो हमें मेमोरेंडम पेटी कैश खोलना पड़ेगा, क्लियर है? ब्रांच को बनाते समय कुछ आइटम को इग्नोर करना है, कुछ ट्रांजेक्शन को नहीं लेना है। ब्रांच बनाते समय कुछ ट्रांजेक्शन को हम लोग को नहीं लेना है। क्या क्या ट्रांजेक्शन नहीं लेना है? डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। प्रिफरेंस माने गुड्स नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्रिफरेंस। डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। बोलो क्या बोले? डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। डेप्रिसिएशन और प्रिफरेंस। और क्या भाई? कौन सा बोलिए? डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। जोर से बोलो क्या बोले? डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। डेप्रिसिएशन, प्रिफरेंस। और ये सब आने वाला नहीं है। ये सब बनाते समय ये सब दिखाई देगा तो इग्नोर कर देंगे, समझे? ये सब आने वाला नहीं, क्लियर है? तो ब्रांच का डेबिट में क्या लिखेंगे? चार आइटम। क्या क्या लिखेंगे रे बाबा? पहला क्या? ओपनिंग एसेट, खर्चा और क्लोजिंग लायबिलिटी। ट्रेड में क्या लिखेंगे हम लोग? ओपनिंग लायबिलिटी और और क्या नहीं दिया रहेगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो ये कैसे खोलेंगे? ओपनिंग डेटर को बीडी, ओपनिंग डेटर को डेबिट में क्या लिख देंगे? क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट डेलर। बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट डेलर। इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर एक सम करके करेंगे तो बेटर होगा। सम को लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग, चलेगा बेटी? लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग, आराम से लिखिएगा बेटा, लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग, लिखिएगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information relating to Calcutta branch, from the following information relating to Calcutta branch,
from the following information relating to Calcutta branch. For the year ended 31 March 2019 full stop. Prepare the branch account in the books of head office. अब एक एक करके नीचे इंफॉर्मेशन लिखिए, एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखिए, ठीक है? एक एक करके नीचे लिखते चलिए। पहला गुड सेंट टू ब्रांच 1,42,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,42,000, उसके बाद लिखे गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच रुपीज फोर थाउजेंड हो गया क्या बच्चे लोग? उसके बाद लिखे कैश सेल्स रुपीज वन लैख क्रेडिट सेल्स रुपीज टू लैख उसके बाद लिखिए ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय द हेड ऑफिस लिख दिया था ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय द हेड ऑफिस। उसके नीचे लिखिएगा रेंट रुपीज टेन थाउजेंड सैलरी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड। उसके नीचे लिखिएगा कैश सेंट बाई ब्रांच। उसके नीचे कैश सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच फोर पेटी कैश रुपीज फाइव थाउजेंड। Then, उसके बाद में लिखिएगा उसके नीचे पेटी एक्सपेंस रुपीज 2,000। उसके नीचे लिखिएगा डेप्रिसिएशन रुपीज 3,000। अब ऐसे साइड में डेट दीजिए दो, उसके बाद ऐसे दो डेट दीजिए साइड में और लिखिए उसके बाद ये लिखिए पेटी कैश ओपनिंग में 500 क्लोजिंग तो नहीं किया निकालना होगा स्टॉक 45,000 इधर में लिख दीजिए आपका क्रेडिट सेल मैं कितना लिखा हूँ 2,00,000 लिखा हूँ क्रेडिट सेल कितना चौदह उसके नीचे लिखिए कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर
रुपीज 1,50,000 उसके बाद देखिए नीचे बैड डेट कैश कलेक्शन पर नहीं अरे बेटा इसमें नहीं लिखना नॉर्मल कैश कलेक्शन पर डेटर कैश कलेक्शन बात नहीं कैश कलेक्शन पर डेटर 1,50,000 रुपीज 1,50,000 ओ इसमें नहीं लिखना है इधर होगा उसके नीचे लिखो बैड डेट यस बैड डेट रुपीज 2,000 उसके नीचे लिखे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 3,000 डिस्काउंट अलाउड रुपीज 3,000 हो गया अब हम लोग सम करते हैं ये सम है हम लोगों का ठीक है देख रही है सभी लोग सम में देखिए पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं है और ब्रांच डेटर का क्लोजिंग नहीं है माने मेमोरेंडम पेटी कैश खोल करके पेटी कैश पता करना पड़ेगा क्लोजिंग और मेमोरेंडम ब्रांच डेटर खोल करके हमें क्लोजिंग डेटर पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो फॉर्मेट रेडी करते हैं हम चाहते हैं कि सम को एक बार खुद के लिए रीड करिए जो सम लिखा है खुद के लिए आप लोग रीड करिए तब तक हम फॉर्मेट को रेडी करते हैं फोकस फोकस करिएगा इन द बुक्स ऑफ रिटेल हेड ऑफिस कौन सा अकाउंट हम लोग का ब्रांच बेटा सम पर नहीं बोले हैं आप लोग स्केल ढूंढ रहे हैं सम पर नहीं बोले हैं सब का फोकस करिएगा सम देखिए सबसे पहले सम क्या लिखवा है देखिए अच्छा ये हम लोग का फॉर्मेट है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है डेबिट में हम लोग सारी चीज लिखेंगे एक बार बोल दें ओपनिंग एसेट गुड से खर्चा ओपनिंग एसेट गुड से खर्चा और क्लोजिंग बैलेंस इधर में क्या लिखेंगे भाई ओपनिंग लायबिलिटी बाय बैंक के नीचे कैश से कलेक्शन फ्रॉम डेटर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच और क्लोजिंग एसेट कौन सा एसेट मालूम कैसे चलेगा ओपनिंग है एक एक क्या एक चार एक एक क्या एक चार ओपनिंग 31 मार्च या 31 12 लिखा मैंने क्लोजिंग ये दो सपोर्टिंग अकाउंट कभी कभी खोलना पड़ेगा जब डेटर का क्लोजिंग या कैश कलेक्शन नहीं दिया तब डेटर का खोलना पड़ेगा और पेटी कैश का क्लोजिंग नहीं दिया है तो हमें पेटी कैश खोलना पड़ेगा आइए सम करके समझते हैं एक बार देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कलकत्ता ब्रांच से ये इन्फॉर्मेशन रिलेट कर रहा है और ईयर एंड क्या भाई 31 मार्च 2019 प्रीवियस ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट हमें बनाना है किसके बुक्स में बनाना है हेड ऑफिस गुड सेंड टू ब्रांच ये कहाँ जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच ब्रांच का है डेबिट ब्रांच का गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कहाँ जाएगा ब्रांच का क्रेडिट फिर क्या है कैश सेल कहाँ जाएगा ब्रांच का क्रेडिट बाय बैंक के नीचे डालेंगे क्रेडिट सेल कहाँ जाएगा भाई मेमोरेंडम ब्रांच डेटर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर इधर डाल क्रेडिट सेल इधर डाल उसके बाद देखो ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस रेंट दिया है सैलरी दिया है और कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पेटी कैश रेंट सैलरी और कैश सेंड दिया हो कहाँ गया है डेबिट टू बैंक के नीचे उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है पेटी एक्सपेंस तो आता नहीं है डेप्रिसिएशन भी नहीं आता उसके नीचे दिया हुआ है पेटी कैश ब्रांच डेटर ब्रांच स्टॉक पहला वाला ओपनिंग है पहला जो लिखना है डेट ओपनिंग है दूसरा वाला क्लोजिंग ओपनिंग को कहाँ लिखेंगे टू बैलेंस पेटी के नीचे और क्लोजिंग को कहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सिटी के नीचे बाई बैलेंस सिटी के जिसमें पेटी कैश नहीं दिया निकालना पड़ेगा और ब्रांच डेटर का क्लोजिंग नहीं दिया निकालना पड़ेगा उसके नीचे देखिए कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहाँ जाएगा भाई क्रेडिट में कहाँ जाएगा बाय बैंक के नीचे देखिए उसके बाद क्या देखिए तो बैड डेट कहाँ जाता है इसका तो आता नहीं है डेटर में आएगा कहाँ आएगा डेटर डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा डेटर
तो एक एक करके हम इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, आप लोग एक एक करके इन्फॉर्मेशन बताइए। और देखिए ध्यान से, पहला क्या भाई, गुड सेंट। पहला क्या है? गुड सेंट। गुड सेंट कितना दिया हुआ है? गुड सेंट टू ब्रांच कितना दिया हुआ? 1,42,000। फिर क्या भाई, गुड रिटर्न बाय ब्रांच कितना दिया हुआ है? 4,000। गुड रिटर्न बाय ब्रांच 4,000। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 4,000। फिर क्या दिया हुआ भाई? कैश सेल्स। कैश सेल्स कहाँ जाता है? बाई बैंक के नीचे। बाई बैंक के नीचे जो जाना जाएगा पुट करेंगे डायरेक्ट लाइन में। कैश सेल कितना भाई? 1,00,000। फिर क्या देखे तुम? क्रेडिट सेल कहाँ जाएगा? डेटर्स में। कहाँ जाएगा? डेटर्स का डेबिट कार्ड, ब्रांच में नहीं आता है। क्रेडिट सेल्स कितना है? 2,00,000। फिर क्या है? फिर क्या भाई? ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस कहाँ जाएगा? टू बैंक के नीचे। क्या क्या खर्चा है थोड़ा बताइए? रेंट, जो भी खर्चा होगा डेबिट में लिखेंगे बैंक के नीचे। रेंट कितना है? 10,000। सैलरी कितना भाई? 20,000। और पेटी कैश कितना है? 25,000। पेटी कैश रेमिटेंस। पेटी कैश रेमिटेंस भेजा ना कैश से, उसी को कहते हैं पेटी कैश रेमिटेंस। 5,000 कितना? 5,000 कितना भेजा गया भाई? 5,000 खर्चा के लिए 5,000 भेजे। उसके बाद क्या है? पेटी एक्सपेंस डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। पेटी एक्सपेंस डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। पेटी कैश का ओपनिंग दिया है, डेटर का ओपनिंग स्टॉक का है। ओपनिंग वाला को डेबिट में भेजे, क्लोजिंग वाला को क्रेडिट में से भेजे। जो चीज नहीं दिया वो निकाल ले। तो लिख देंगे टू बैलेंस पेटी के नीचे। क्या क्या दिया हुआ भाई थोड़ा बताइएगा? पहला क्या है? पेटी कैश। पेटी कैश कितना है? 500। पेटी कैश हम लोगों का 500 है। फिर क्या दिया हुआ बताइए तो? ब्रांच लेटर कितना भाई? ब्रांच लेटर 20,000। फिर क्या दिया हुआ है? स्टॉक कितना है? 45,000। स्टॉक 45,000 हो गया। क्लोजिंग कितना दिया हुआ? क्लोजिंग 35,000। पेटी कैश का तो पता ही नहीं, पेटी कैश निकालेंगे तो भर देंगे। पेटी कैश निकालेंगे तो भर देंगे। फिर डेटर का क्लोजिंग कितना भाई? डेटर का क्लोजिंग कितना देखे तो? नहीं है। और स्टॉक का क्लोजिंग कितना है? 35,000। अब क्या बनाना है हमें? ब्रांच डेटर और पेटी कैश। ब्रांच डेटर और अच्छा बताइए, ब्रांच डेटर में डेटर का ओपनिंग जो है, डेटर का पहला वाला ओपनिंग है ना? डेटर का पहला वाला क्या ओपनिंग? तो डेटर को डेटर का ओपनिंग को डेटर में लिख देंगे टू बैलेंस पेटी। कितना दिया हुआ है देखिए तो? 20,000। अच्छा सम के नीचे और कुछ दिया था? कुछ नहीं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, सवाल के नीचे और तो दिया है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर कितना? 1,50,000। कहाँ लिखेंगे कैश कलेक्टेड? यहाँ पे कैश कलेक्टेड कितना दिया हुआ है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 1,50,000। उसके नीचे क्या दिया हुआ सम में? बैडेट। कहाँ जाएगा? डेटर्स में। बैडेट कहाँ जाएगा? डेटर्स। बैडेट कितना दिया हुआ है? 2,000। डिस्काउंट अलाउड भी कहाँ जाएगा? डेटर्स में। कितना दिया हुआ है? 3,000। डिस्काउंट अलाउड को डिवाइड ही लिखते हैं। तो ये अब हमें ब्रांच डेटर का करना है। डेटर यहाँ से लिख लीजिए ओपनिंग बेडिंग, ठीक है? अच्छा डेटर में क्या जाता है? डेबिट में ओपनिंग।